रेडी प्यारे भैया बहन, पिछले टॉपिक में हम लोग जो बात किए थे कायिक जनन में, तो कायिक जनन में हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन का डिस्कशन तो कर लिए थे, और ये बोला गया था दूसरे वीडियो में कृत्रिम कायिक जनन के बारे में हमको डिस्कशन करना था। तो अभी हम बात कर रहे हैं कृत्रिम कायिक जनन। इसका इंग्लिश हो जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कायिक जनन में मनुष्य तमाम कृत्रिम विधियों से कायिक जनन करवाता है पौधों में, एक पौधे से दूसरा पौधा प्राप्त करता है। उसमें से पहला है कलम लगाना, यानी कटिंग, कलम लगाना। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये कायिक जनन का सबसे आसान विधि है, और ये कटिंग प्रायः दो तरह से हो सकता है। कलम लगाना दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है रूट कटिंग, दूसरा हो सकता है स्टेम कटिंग, रूट कटिंग। यानी दो तरीका इसका हो सकता है। जैसे कोई भी पौधा है उसके रूट को, सपोज दैट ये एक पौधा है, पौधा जमीन के अंदर से ये रूट निकला हुआ है। अब इस पौधे के रूट को आप थोड़ा सा तोड़े, रूट अलग हो गया, और इस रूट को आप कहीं भी जमीन में आप लगा दिए, तो उससे एक दूसरा पौधा निकल के आता है। तो ये एक तरह से रूट कटिंग में हो गया, कलम लगाने में रूट कटिंग के माध्यम से लग जाता है बहुत सारे पौधों का। जैसे अभी करंट में सागौन एक ऐसा पौधा है जिसको हम देखें कि बहुत सारे, चूंकि जंगल एरिया में अक्सर हम उस रास्ते से होके आते हैं, तो छोटी छोटी नर्सरियां हैं, तो उस नर्सरियां में हम देखते हैं कि छोटे छोटे रूट निकालते हैं वो जंगल से निकाल करके, और उस रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके रखते हैं, और एक पाली बैग में मिट्टी भुरभुरी खाद पानी डाल के तैयार रखते हैं, और उसी पाली बैग में एक एक रूट कटिंग वो डीप कर देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, पर्याप्त पोषक तत्व तो पानी जल देते रहते हैं, और उस जड़ से छोटी छोटी एडवेंटिजियस रूट निकलती हैं, और वो जड़ एक नए कली से बाद शाखा के बाद पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, रूट कटिंग हो जाता है। अब बारी आती है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में आप देखे होंगे यह सबसे आसान विधि है स्टेम कटिंग में। स्टेम कटिंग में यानी तना कलम या स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में अगर आप लोग देखे होंगे गन्ने की खेती, गन्ना हुआ या गुलाब अक्सर आप अपने घरों पे लगाते हुए देखते होंगे, गुलाब का खड़ी कटिंग, एक गुलाब का डंठल लेते हैं उसको कटिंग कर देते हैं, छोटे छोटे उसमें कांटे रहते हैं, ये निकले रहते हैं, कांटे निकले रहते हैं, और इसको मिट्टी में धीरे धीरे आधा रोपित किया जाए, तिरछा रोपित कर देते हैं, ताकि उसके जड़ से कहीं भी दूसरा पौधा निकले तो उसको स्थान मिले अर्थ में निकलने के लिए। और गन्ने को आप देखते हैं तो गन्ने का पूरा पौधा ही एक जमीन के क्षैतिज अवस्था, बराबर अवस्था में जमीन के अंदर रखते हैं, बट इसमें ध्यान देना चाहिए कि इस गन्ने में वो नोट्स हैं कि नहीं, गन्ने के जो गांठ जिसको अपने देहाती भाषा में गांठ बोलते हैं, वो नोट्स हैं कि नहीं है, वहीं से ये थोड़े छोटे छोटे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो रूट निकलेंगे, एडवेंटिटियस रूट्स निकलेंगे, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे छोटी छोटी कलिका निकलेगी, बड्स जिसको बोलते हैं, बड्स, और यही कलिका आगे चल के ऐसे निकलती है, तो फिर एक नया पौधे में विकसित हो जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। तो एक तरह से स्टेम कटिंग यानी कायिक जनन का सबसे आसान विधि है स्टेम कटिंग। बहुत सारे पौधों का तना तोड़िए तना तोड़ के जमीन में लगा दीजिए, नया पौधा विकसित हो जाता है, ठीक है। गन्ना तना तोड़िए दूसरे पौधे में लगा दीजिए, दूसरे जमीन में लगा दीजिए, एक पौधा तैयार हो जाता है। गुलाब तना उसका कटिंग कर लीजिए, जमीन में लगा दीजिए, दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। यानी तना कटिंग, स्टेम कटिंग कृत्रिम कायिक जनन का या कायिक जनन का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान विधि है।
ये कायिक कृत्रिम कायिक जनन हम लिखेंगे नहीं, कारण क्या है कि इस सिलेबस में कृत्रिम कायिक जनन दिया नहीं है, तो जब दिया नहीं है तो उसको नोट करके याद करने की जरूरत नहीं है, बट डिस्कशन है तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लेना जरूरी है कि कृत्रिम कायिक जनन होता कैसे। भाई कायिक जनन पौधे के काय के भाग से जनन होता है, लेकिन कृत्रिम क्या है? कृत्रिम मतलब हम अपने हाथों से, पुराने आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम उससे टिश्यू से, उसके उत्तक से, उसके छोटी छोटी कोशिकाओं से, बहुत सारे टिश्यू कल्चर टेक्निक आ गया, उसके विध से हम लैब में बहुत सारा पौधा तैयार कर देते हैं। लेकिन पहले जब ये टेक्निक नहीं था तब कायिक जनन ही एकमात्र तरीका था जिसके माध्यम से एक पौधे से कई पौधे तैयार किए जाते थे। इस वजह से यह जानना जरूरी है, भले आज सिलेबस से हटा दिया गया है बट इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो कृत्रिम कायिक जनन में पहला पार्ट हमारा जो स्टेम कटिंग था, जिसको कलम लगाना कहते हैं, उस हिसाब से ये दो तरीका है, स्टेम का और रूट का, ये हम जान लिए। अब बारी आती है दाब लगाना, लेयरिंग, दूसरा ये बारी आता है दाब लगाना, लेयरिंग। हम तो अपने समय में देखे हैं जब बचपन थे, आप लोग नहीं देखे होंगे, अक्सर हम जब छोटे समय में थे तो हम देखते थे अपने घरों में, या हमारे पिताजी ये काम करते थे, हम देखते थे एक नींबू का पौधा, नींबू के पौधे में मैं देखता था कि अगर नींबू का पौधा लगा हुआ है, बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए हैं उस नींबू के पौधे में, कुछ पौधे ऐसे हों जो जमीन के थोड़ा सा लचीले होते हैं, नींबू का पौधा है जमीन से थोड़ा सा लचीला है, इस पौधे को जमीन की क्षैतिज दिशा में दबा दिया जाता था, ठीक है। नींबू के पौधे को, सपोज दैट इस पौधे को हम तोड़े ले लिए, ये नींबू का एक पौधा, एक छोटा सा एक पार्ट इसका, यहां से यहां तक ये पूरा तना यहां से कट किए और इसको हम उठा लिए, और इसकी पत्तियों को यहां से पत्ती काट दिए, 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 ये पत्ती रहने दे रहे हैं, बगल की सारी पत्तियों को हम काट दिए, काट करके इस पौधे को जमीन में बराबर स्थिति में हम छोड़ दिए, जमीन के बराबर, और इसके ऊपर से कुछ मिट्टी का ढेर हम रख दिए, कुछ मिट्टी का ढेर रख करके इसको दबा देते हैं। यानी अगर इस पूरे तने को, सपोज दैट ये जमीन है, इस जमीन पे हम रखे, यहां की पत्ती निकली हुई है लेकिन बीच की सारी पत्तियों को हम काट के हटा दिया और इसको मिट्टी से हम दबा दिए, मिट्टी से दबाने के बाद यहां जरूरी समय धीरे 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 कुछ पानी की नमी देते रहना चाहिए ताकि यहां नमी बरकरार रहे। तो हम देखते हैं कुछ दिन बाद यहां से बहुत छोटे छोटे रूट्स जो एडवेंटिटियस रूट्स होते हैं, अपस्थानिक जड़ें, वो धीरे धीरे निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। अब इस जड़ युक्त पार्ट को पूरा यहां से कट करते हैं, इस पूरे जड़ युक्त पार्ट को, पौधे को हम उठा लेते हैं और दूसरे जगह जमीन में रोपित कर देते हैं। अब यहां जड़ निकला हुआ है, मिट्टी से दबा है, यहां से तना काटे, अभी ये तना इस जमीन से सटा, इस पौधे से सटा हुआ है, अब यहां से ऐसे काटे इस पूरे जमीन सहित इस पूरे हिस्से को मिट्टी से निकाले और अलग एक गड्ढा खोद करके उसमें लगा दिए, फिर यहां से रूट निकलना प्रारंभ, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। यहां से ये शाखा हम दबाए, दूसरा दबा दिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई पौधे हैं, कई शाखा दबाए, कई पौधे निकल गए। तो इसको हम कहते हैं दाब लगाना, लेयरिंग, चूंकि इसको दबाया जाता है इस वजह से नाम आया होगा उस समय, इसको दाब लगाना, लेयरिंग विधि से भी हम ये पौधा प्राप्त करते हैं। ये कृत्रिम कायिक जनन का ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। पहला कलम लगाना, दूसरा दाब लगाना, तीसरा है वाई दाब या गुटी बांधना, तीसरा तरीका है वाई दाब या गुटी बांधना। अब इसमें क्या है, दाब मतलब जमीन पे, यहां वाई दाब, वाई मतलब हवा में भी दाब लगाया जाए, ऐसा प्रायः पुराने वृक्षों में हम देखते हैं। सपोज दैट ये पुराना वृक्ष है, सपोज दैट एक पुराना वृक्ष है,
इसमें हम क्या करते हैं, वायदाब या गुटी बांधना में एयर लेयरिंग या गुटी बांधना, इसमें हम पुराने वृक्ष हैं तो जाहिर सी बात है इसका तना भी पुराना होगा, मोटा होगा, तगड़ा होगा, विशालकाय होगा। इस वजह में किसी एक शाखा को, सपोज दैट इस शाखा को हम लेते हैं, इस शाखा को हम यहां से लिए, ये शाखा पूरा हम तोड़ते नहीं, शाखा वही रहता है, इस शाखा पे यहां से हम इसके चारों तरफ शाखा से छोटा 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 ऊपरी परत हम इसको छील लेते हैं, इस शाखा के ऊपरी परत को केवल छील लेते हैं। छीलने के बाद इसको चारों तरफ काटन रुई कपड़ा रख करके और इसको चारों तरफ मजबूत रस्सी से बांध देते हैं, बल्कि पॉलिथीन रख करके भी उसको बांध देते हैं ताकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इसको इन्फेक्टेड न करें या बैठे न, प्रदूषित न करें, इसको बांध देते हैं। और बांधने के बाद इस पे थोड़ा सा पानी की बूंदें हम डालते रहते हैं ताकि ये नमी बरकरार रहे। किस कार्य के लिए? नमी बनाने के लिए। या अन्य पुराने तकनीकों में पहले क्या था, यहां पे कोई न कोई घड़ा बांध देते थे पानी का और इससे ताकि पानी बूंद बूंद गिरता रहे, ये भी एक तरीका था। ऊपर के डाल में पानी का घड़ा बांध दिए, यहां बांध दिए, यहां नहीं व्यवस्था है तो यहां पे हम घड़ा बांध दिए, यहां पे घड़ा बांध दिए और यहां थोड़ा सा घड़े में छेद करके एक रस्सी ऐसे ऐसे लटका दिए। अब रस्सी के माध्यम से बूंद से छोटा छोटा पानी इसमें गिरता रहता है, नमी बरकरार रहता है, सुबह शाम इसमें देख के ऊपर से पानी हम डाल दिए। तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं इसमें, इस हिस्से में छोटे छोटे रूट्स, अपस्थानिक कलिकाएं, रूट्स निकलते रहते हैं और रूट्स जब निकलते हैं तो यहां से एक नई शाखा का डेवलपमेंट हो जाता है। जब डेवलपमेंट हो जाता है तो इसको यहां से कट करके उठाते हैं और एक नई जगह लगा देते हैं। ये एक तरीका है वायदाब या गुटी बांधना, मतलब एयर लेयरिंग, हवा में ही दाब लगा देना। इससे पहले दाब लगाना हम देखे थे जहां गुटी बांधना, दाब लगाना जो लेयरिंग का हम देखे थे, वहां क्या था कि पौधे के तने जमीन से ही ऐसे लटका देते थे और यहां मिट्टी से ढेर लगा के दबा देते थे। इसमें क्या है, हवा में ही, चूंकि मजबूत शाखा है इससे हम नीचे लाके दबा नहीं सकते हैं, ऊपर ही उसको छील करके और नमी बरकरार रखे हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलवाते हैं और जब वो निकलते हैं तो इस हिस्से को निकाल करके दूसरे जमीन में लगा देते हैं, एक दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। ये तरीका हो गया वायदाब या गुटी बांधना। थर्ड